नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। रात के 12:30 बज रहे हैं और देखो खतरनाक बारिश हो रही है भाई साहब। मानसून एकदम अपने उफान पे है और ये देखो भाई क्या बारिश हो रही है। और मुझे लग रहा है पूरे रात बरसने वाला है। कल मेरा सुबह प्लान है जाने का, कहीं देखो क्या होता है। सुबह अगर मौसम बढ़िया रहा तो जाएंगे। बाहर बारिश हो रही है और मोटू यहाँ सो रहा है। और मोटू बेचारा भीग भी गया है बारिश में ना, तो अंदर आके सो गया था। पहले मेरे पास सोया था, अभी मम्मी कमरे में सो रहा है। तीनों कमरों में कूलर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती इसको। और उसका नौकर भी यहाँ सो रहा है। तो देखो दोनों अंदर सोते हैं जब बारिश वगैरह होती है। वैसे बाहर रहते हैं रात में, लेकिन बारिश है तो बेचारे भीगेंगे, बीमार होंगे, तो अंदर ही सो रहे हैं अभी। आज सुबह जाने का प्लान बना था हमारा एक ऐसे प्लेस पर जो कि प्रयागराज से अराउंड 70-75 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़्यादा मस्त सी लोकेशन है। काफ़ी पहले मैंने एक्सप्लोर किया हुआ था, मौसम काफ़ी बढ़िया बना हुआ था सुबह, लेकिन अभी लगातार 1 घंटे से 1.5 घंटे से बारिश हो रही है। मृदुल को भी बोला था साथ चलने के लिए, लेकिन यार ये बारिश रुक नहीं रही है यार। देखो लगातार बारिश हो रही है और ये मान लो रुकती भी है तो रास्ते में अगर होने लगेगी तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए फाइनली दोस्तों अपने प्रयागराज में खतरनाक मानसून का मौसम आ चुका है। और अभी मधोज भाई के साथ हम लोग कहाँ आ चुके हैं? सरस्वती घाट बहुत फेवरेट प्लेस रहा है। सरस्वती घाट से इतनी यादें जुड़ी है ना, हम लोग इमिग्रेशन कॉलेज में पढ़ते थे तो जब कॉलेज ख़त्म हो जाता था तो यहाँ ज़रूर आते थे, यहाँ या फिर वो नैनी ब्रिज के नीचे। तो वहाँ पर हम लोग चुरमुरा खाते थे, भेलपूरी फुल्की, या यहाँ आके थोड़ा बहुत हम लोग फोटो वगैरह क्लिक कराते थे, उधर जाके मैगी खाते। मुझे याद है कि इस प्लेस पे मैंने अपनी एक फ़ोटो खिंचाई थी, मैं उस टाइम पे बहुत पतला था, तुमने खींची है और अभी तक वो पिक मेरे फेसबुक पे पड़ी हुई है। Samsung J7। हाँ, उस टाइम 2015 का टाइम था, अभी 2023, 8 साल बीत चुके हैं भाई साहब और ये वैसा के वैसा ही है। और मैं थोड़ा सा बदल चुका हूँ। बाकी अभी इस टाइम पे हम लोग सरस्वती घाट पे आ चुके हैं जो कि मनकामेश्वर मंदिर के जस्ट बगल में पड़ता है। मौसम अच्छा बना हुआ था, आज हम लोग शूट कर रहे थे तो सोचा कि थोड़ा रिलैक्स करते क्योंकि बहुत दिनों के बाद प्रयागराज में मौसम अच्छा हुआ है। क्या सुबह जाने का कहीं प्लान था लेकिन ऐसी बारिश हुई कि जा ही नहीं पाए। मैंने इसको कॉल किया कि भाई 1 घंटे में घर आओ, चलते कहीं। जगह भी बता दी थी लेकिन अभी जगह आपको नहीं बताएंगे, हो सकता है कल हम लोग निकले। लेकिन आज इतनी बारिश हुई कि कहीं निकल ही नहीं पा रहे थे भाई। हमारा जो शूट था ना वो शूट कैंसिल होते होते बचा, किसी तरह हम लोग हल्का फुल्का भीगते हुए पहुँचे, शूट किया और अभी थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब हमको बहुत अच्छा लगता है। और पीछे एक शॉप है जहाँ पे हम लोग मैगी वगैरह खाते हैं अक्सर, तो वहाँ चलिए चाय पियेंगे। मैगी तो अभी नहीं खाएंगे बिकॉज यहाँ सौरभ है। हाँ, तो सौरभ भाई की शॉप है जो कि आपका ये सरस्वती घाट के पीछे उधर आगे लास्ट में किले के पास में है। वहाँ एक टेम्पल भी है और वो खूबसूरत जगह है। मतलब अभी मौसम अच्छा है ना तो वो जगह और सुंदर लगेगी। चलिए चलिए नाव वाले से पूछते हैं कि वहाँ ब्रिज तक ले जाने का कितना लेंगे ना। अगर 200-250 तक में चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया यहाँ पे। फाइनली आज बहुत दिन बाद हम बोटिंग करने जा रहे हैं। इसको लगा लेते हैं, सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि रिसेंट में कुछ घटनाएं भी हुई है ना। अगर आप बोटिंग करने आते हो तो इसको ज़रूर लगा लो, ये बहुत ज़रूरी है। यमुना जी कितनी गहरी होंगी बीच में, सबसे ज़्यादा गहराई कितनी होगी? 40-50 फीट बहुत है। 40-50 फीट, लेकिन यह है कि यमुना जी का पानी कम नहीं होता जल्दी क्या? भाई साहब यहाँ से क्या व्यू आ रहा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं लगाते ना जानबूझ के, ना लगाए उनकी इच्छा के बाद, भाई हम अपना रखे हैं। आप एक बार बोल दें लेकिन अगर कोई नहीं माने तो क्या करें? आदमी कह तो नहीं सकेगा, जैकेट भी नहीं दिया है। भाई अगर आप लोग गंगा जी आ रहे हो, यमुना जी आ रहे हो तो सेफ्टी जैकेट जरूर लगाओ बिकॉज आजकल बहुत दुर्घटनाएं सुनने को मिल रही है। और आप तो यहीं रहते हैं, आपको तो सुनने में मिलता ही होगा अक्सर, बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं, नाव पलट जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हो मनकामेश्वर, वैसे मनकामेश्वर मंदिर तो आप लोग देखते रहते हो लेकिन देखो यमुना नदी से कितना प्यारा लगता है। यमुना नदी के किनारे पे जय बाबा मनकामेश्वर, उधर सामने आपका यमुना ब्रिज, उधर ओल्ड यमुना ब्रिज, भाई साहब यमुना नदी है भाई। इतना पेड़ भर के खाए ना कि आवाज़ नहीं निकल रही है, मज़े आ रहे हैं। लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और बारिश अभी रुकी हुई है फिलहाल, तो मस्त व्यू इन्जॉय कर रहे हैं और रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं। तो मृदुल के साथ अभी चाय पियेंगे और चाय के साथ कह रहा था वो मैगी, नहीं भाई मैगी नहीं कहा, बस मैगी नहीं बोला था, गैस करो क्या बोला होगा। कह रहे हैं कि चाय के साथ पकौड़ी खाएंगे, पकौड़ी खाओ इतना खाए एक बार। भाई साहब नूडल्स खाए हैं, उसके बाद फुल्की खाए हैं, मंचूरियन खाए हैं, उसके बाद जो है डोसा खाए हैं, अनलिमिटेड फूड। एक जगह शूट करने गए थे हम लोग, उतना खाने के बाद पकौड़ी खाना है, बताइए। कचौड़ी भी खाना, कचौड़ी पकौड़ी
गए थे ब्लू वर्ल्ड। बताओ ब्लू वर्ल्ड में क्या हुआ इनके साथ? वेट वाला, वेट वाला। एक राइड में, राइड पे बैठने गए, तो वहाँ पे वेट चेक हो रहा था, मैं वेट चेक किया तो मेरा वेट 52.5 किलो था। और अंडर वेट हो तुम इसमें जा नहीं सकते। जूनियर बच्चों की कैटेगरी में भेज दिया गया इनको। 65 किलो भैया, हम कहे भैया 27-28 साल के हैं, जाने दो यार। तो ऋषभ सब था, कहे अरे भैया बड़े हैं ये, तब जाने दिया, नहीं जाने नहीं देता। 65 किलो उसमें मांग रहा था, इनका 50 किलो था, और ये उड़ सकते थे कहीं ना। 50 किलो नहीं बह सकते, 52.5 किलो था। तो काफी बढ़िया, ब्लू वर्ल्ड भी जाएंगे, लेकिन इन लोग बिना बताए चले गए, गद्दारी कर दिए। पूछा गया था भाई, पूछा गया था, इसने बोला कि हम बिजी, हम नहीं जा पाए। लेकिन अभी मौसम बढ़िया हुआ, अब ब्लू वर्ल्ड जाने लायक, अब जाने लायक। ये लोग थोड़ा सा ना, जब बारिश स्टार्ट हुई थी तब गए थे। ये देखो सामने भाई, मन कामेश्वर, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भाई ब्लू वर्ल्ड कवर करने लायक जगह है व्लॉग में, बहुत कंटेंट मिलेगा तुमको, ये गारंटीड है। हाँ, बस उसका फुल पार्क का एक्सेस ले लेना बस। हाँ, और सबकी प्राइसिंग अलग अलग है, मैं दिखा सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, प्राइसिंग तुम कितने में गए थे? टिकट क्या था हमारा? था 950। यूट्यूबर्स को कुछ सहूलियत है वहाँ पर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो तो बता रहे थे वेब पैकर्स वाले भी, है कि यूट्यूबर्स के लिए अलग से जो है था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है यार, इतना कमा खा रहे हैं साला, 5000 टिकट भी ले लिया जाएगा। ये एंट्री टिकट, बहुत जल्दी पूरी ये है, अभी दिखाएंगे। बहुत जल्दी ब्लू वर्ल्ड का, हमारा कानपुर का ब्लॉग आ सकता है, जल्दी कवर करेंगे। तो क्योंकि मौसम बढ़िया बन चुका है, आज ही हमारा बाहर जाने का प्लान था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह चलेंगे, हो सकता है कल हम लोग कहीं जाएं। अभी चलते हैं बढ़िया, वही सौरभ भाई के यहाँ चाय पियेंगे। भाई ना वाला गद्दारी कर दीस, बहुत कम ले गया यार, 5 मिनट में ले आए भाई हम लोग को घुमा के। तो ये हमारे सौरभ भाई की शॉप, और चाय पिया जा रहा है। हाँ भैया, लो, जल रहा है। बस एक खराब चीज़ है यहाँ पे ना, खा पी के सब फेंक देते हैं, डस्टबिन में कोई नहीं फेंकता, लोग गंदगी फैला देते हैं। खैर वो किनारे होता है जब शॉप बंद होती है। हमारे भाई लोग मिल चुके हैं, एक सर्वे हमारा चल रहा है, इस वीडियो में हम लोग चलाने वाले हैं, आपको कहाँ की चाय पसंद है, चाय सुट्टा बार, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार। बाप रे, एक साथ एक सिंक में रिप्लाई आवा है बिना सोचे, क्या बात है। इधर भाई, इस टाइम पे सोशल मीडिया पे राज कौन कर रहा है? भाई साहब, बिग बॉस में गया है मात्र 12 घंटे के अंदर में जो निष्कासन हुआ है, और उसके बाद 3 लाख कुछ उसके फॉलोअर्स थे, 3 मिलियन हो गए। इसे कहते हैं दिमाग, बिग बॉस को लग गई चपत। और सुनो, बिग बॉस की रेटिंग 4.1 से 1.1 हो गई भाई साहब। लेकिन एक बात है, मतलब बंदा पगले ही करता है, सारी चीजें करता है, 50 साल का बंदा है, बर्थडे विश करता है लोगों को, उसके पैसे लेता है भाई यूट्यूब पे। जैसे मान लो किसी पॉडकास्ट में से, मैं पॉडकास्ट में गया ना, 25-25 हज़ार रुपये पॉडकास्ट के। लेकिन मतलब बंदा जेन्युइन है, गरीबों की मदद करता है भाई। जैसे मान लो 10 हज़ार वो कमाया ना, तो 5-7 हज़ार वो गरीबों को खाना पीना खिलाने में, और काफ़ी टाइम से वो काम कर रहा है। मतलब वो हंसाता है, कंटेंट के तौर पे वो पागल दिखता है लोगों को, लेकिन वो दिमागदार बंदा है, बहुत सही बंदा है, जेन्युइन बंदा है। जिसको ना, जिसको गरी आता है मुँह पे गरी आता है। एक कोई पॉडकास्ट वाला था, तो उसको बुलाया कि आओगे हमारे पॉडकास्ट में, तो कह रहा है कि तुम्हारी, उसकी DP देख के कह रहा है कि तुम्हारी शक्ल देखने से चोर लग रही है, तुम पैसा दे पाओगे? तो कह रहा है 25,000 दे मांगा, कहा ठीक है 25,000 दे देंगे। फिर वो कह रहा है कि कॉल उठा लो, तो कह रहा है कॉल उठाने के 5,000 रुपये लगेंगे। भाई साहब, लॉर्ड पुनीत। मम्मी मुझे सांता देखना है। भाई कुछ भी नहीं हो जाता यार। मतलब हम लोग इसकी बात इसलिए कर रहे हैं ना, बिकॉज यूट्यूबर के लिए बिग बॉस में जाना, और बिग बॉस में किसी का तलवा नहीं चाट रहे हैं, मतलब एकदम जो है मुंह पे है, सामने है। तो एक फुकरा इंसान को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और पुनीत सुपरस्टार तो खैर निकल गया, लेकिन फुकरा इंसान जीतना चाहिए। तो बस पूरा सपोर्ट है अपने अभिषेक भाई को, अभिषेक भाई फुकरा इंसान। चलो फिलहाल अंधेरा हो रहा है, चलते घर, चले घर। अभिषेक इंसान जिंदाबाद, ट्रिगर्ड इंसान उसका भाई है। भाई साहब, बारिश और भीगे ना, ऐसा कैसे हो सकता है, खतरनाक भीग चुके हैं भाई। मतलब कहीं बारिश नहीं हुई, अल्लाहपुर जैसे पहुंचे हैं बॉर्डर पे बारिश हुई। तो फिलहाल चलो इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। कल हम लोग का कहीं जाने का प्लान बना था, लेकिन बारिश की वजह से सारे प्लान पे पानी फिर गया। अरे तो ऑडियंस थोड़ा ना देख रही है उतना, मार दूंगा, ट्रोल कर रही है यार। तो खैर इग्नोर, तो चाय वगैरह जो है कल हम लोगों ने पिया, सरस्वती घाट गए थे, वहां पे बोटिंग वगैरह की, सारा अपने ब्लॉग में देखा। तो आज मौसम ठीक था, लेकिन अभी हम लेट पे उठे और जस्ट ब्लॉग डालना है, तो याद आए कि वीडियो एंड भी नहीं की थी कल। ऐसे बारिश का जो घर आया भीगे थे ना,
तो स्टोरेज फुल हो गया था, उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाए। तो फिलहाल चलो इस व्लॉग में ब्रेंड करते हो, मेरा आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो कैसे लगी, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।